खबर बिहार के जहानाबाद से है, जहां एक पुलिसकर्मी को बाइक रुकवाना भारी पड़ गया। बाइक रुकवाने से आक्रोशित युवक ने पुलिसकर्मी को सड़क पर पटक पटक कर पीटा। दरअसल ये वीडियो जहानाबाद के दरधा नदी पुल पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान वहां पहुंचे एक युवक को पुलिसकर्मी ने रोक दिया, जिससे वह युवक ने अपना आपा खो दिया और फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को जमकर धुनाई कर दी। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और लोगों ने युवक से उस जवान को छुड़वा दिया। पुलिसकर्मी की तादाद देखकर युवक फरार हो गया। इधर घायल पुलिसकर्मी ने जहानाबाद सदर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, तब तक शख्स मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर नगर थाने में ले आई है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि मारपीट मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद मारपीट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मतगणना होने के कारण शहर में अधिक भीड़ हो गया था, इसलिए पुलिस प्रशासन सड़क पर किसी को भी वाहन लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। सड़क पर मोटरसाइकिल हटाने के लिए कहा गया तो एक शख्स पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट करने लगा। इस घटना से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। खुलेआम सड़क पर पुलिस को पटक पटक कर मारपीट करना या प्रशासन के लिए बहुत बड़ी घटना है। प्रशासन ने कहा है कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, शख्स की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग न्यूज। देखिए, सुबह से ही जाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, नॉमिनेशन का भीड़ है और जो काउंटिंग चल रहा है, काउंटिंग में जो विजयी हो रहे हैं उनके समर्थकों का भीड़ है। ऊपर से आज भारी वर्षा हुआ है, जिसके कारण भी दरधा पुल पर जाम ज़्यादा लग रहा है। ऐसे में मेरा सिपाही काफ़ी मेहनत से ड्यूटी कर रहा था, वैसा में एक मोटरसाइकिल वाले आके रोड पर मोटरसाइकिल लगा दिए, जिससे जाम लगने लगा। मेरे ट्रैफिक का सिपाही उनको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोला तो काफ़ी ताव में थे, सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे, उसको उठा के वहाँ पर पटक दिए। फिर हमको जैसे ही जानकारी मिला आके, हम मोटरसाइकिल को तो पकड़ लिए हैं, लेकिन वो लड़का भाग गया, मोटरसाइकिल को टाउन थाना के हवाले कर दिया गया है और उस पर हम लोग इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगे कि आगे का कार्रवाई किया जाए। व्यक्ति की पहचान हुई कि नहीं? व्यक्ति को हम देख नहीं पाए, सिपाही बताया कि वो भाग गया, लेकिन आसपास के कुछ लोग सहयोग किए मोटरसाइकिल को पकड़ने में, तो उसको टाउन थाना के हवाले कर दिया गया है। कहाँ का लड़का, कुछ जानकारी मिली? नहीं सर, अब तो मोटरसाइकिल के कागज पत्र से जानकारी लिया जाएगा कि किनका मोटरसाइकिल है। उस पर एफआईआर करवाएंगे, टाउन थाना के इंस्पेक्टर साहब को बोल करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो मेरे सिपाही के साथ। इधर से किधर जा रहा था वो लड़का? वो इधर से जा रहे थे, हॉस्पिटल मोड़ से दरधा पुल के तरफ आगे बढ़ रहे थे। कहाँ पे घटना है? बीच पुल पे। जी।